बीइंग अ पेरेंट आप हमेशा परेशान रहते हैं कि मैं मेरे बेबी को टॉयलेट ट्रेनिंग दूं कैसे। टॉयलेट ट्रेनिंग होता क्या है और ये कब शुरू होता है, ये क्यों देना चाहिए, जानते हैं थोड़ी देर में। आई एम डॉक्टर कल्पेश पाटिल, पीडियाट्रिक एंड न्यूनेटल लैप्रोस्कोपिक सर्जन, कॉन्स्टिपेशन स्पेशलिस्ट इन पुणे, ओनर ऑफ डॉक्टर केपीश चरब चाइल्ड क्लिनिक। यूजुअली न्यूबॉर्न बेबी जब आता है तभी वो दूध पीता है और पॉटी करता है, और न्यूबॉर्न बेबी हमेशा दिन में 20 से 25 बार पॉटी करेगा। क्यों? क्योंकि उसको एक गिफ्ट दिया रहता है, उसको बोलते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। मतलब जैसे ही स्टमक के अंदर फूड जाएगा, स्टमक बड़ी आंतरी को, कोलोन को रिफ्लेक्स भेजेगा कि ऊपर से खाना आ रहा है, आप नीचे से एम्प्टी हो जाओ। ये गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स हमेशा एज के 18 महीने तक रहता है। यूजुअली 1.5 साल के बाद ये रिफ्लेक्स अपने आप ही गायब होना शुरू होता है, एंड दैट इज द टाइम जहां आपको अपने बेबी को टॉयलेट ट्रेनिंग देना जरूरी है। अगर आपने अपने बेबी को टॉयलेट ट्रेनिंग देना जरूरी नहीं समझा तो उसके आगे अपना बेबी आपको कॉन्स्टिपेटेड ही दिखेगा। कॉन्स्टिपेटेड बेबी हमेशा आपको पेट की तकलीफ देना शुरू करेगा, पेट में दर्द होना, खाना ना खाना, वजन ना बढ़ना, पेट में बहुत गैस होना, पेट फूलना, इन सब चीजों के आप शिकार हो सकते हो। इन कंडीशन को अवॉइड करने के लिए, टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले समझना है 3 चीजों को। एक, आपका खुद का कल्चरल एनवायरमेंट। क्या आप अपने बेबी को कंफर्टेबल बना रहे हो टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए? कभी भी बेबीज को डांटना नहीं है, कभी भी उनके ऊपर चिल्लाना नहीं है कि उन्होंने नैपी में ही पॉटी किया है। उनको प्यार से समझाओ, उनको घड़ी दिखाओ, उनको टॉयज दिखाओ, उनको मोटिवेट करो। दूसरा, क्या आपका बेबी मेंटली रेडी है टॉयलेट ट्रेनिंग मिलने के लिए? वो रेडी है? अगर वो रेडी नहीं है तो आप उसको जबरदस्ती कर ही नहीं सकते। इसीलिए आपको अपने बेबी को मोटिवेट करना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप पॉटी सीटर ला सकते हो। अलग अलग तरीके के पॉटी सीटर्स आज अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। आप टॉयज रख सकते हो बेबीज के साथ, वहां पे स्टोरीज उनको सुनाओ। मेक योर बेबी कंफर्टेबल इन दैट एनवायरमेंट एंड लेट हिम अंडरस्टैंड कि पॉटी हमेशा बैठ के की जाती है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके बेबी को कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है। कभी कभी अंडरलाइंग हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब थायराइड हार्मोन की कमी, ये कॉन्स्टिपेशन करके प्रेजेंट हो सकती है या जिसमें ट्रांजिट टाइम बढ़ सकता है। इन हालातों में आप अपने बेबी को टॉयलेट ट्रेनिंग कर ही नहीं सकते। टॉयलेट ट्रेनिंग करते वक्त आपको और किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने पहले बताया था, आपको अपना कल्चरल एनवायरमेंट काफी पॉजिटिव रखना पड़ेगा। दूसरा, बेबी का रेडीनेस इज इंपॉर्टेंट। थर्ड, बेबी का डाइट। आपको अपने बेबी का हाइड्रेशन काफी अच्छा रखना चाहिए। उसका डाइट आप खुद ध्यान दीजिए या मेडिकल सुपरविजन के अंदर रखिए। अगर आपको लगता है कि आपका बेबी टॉयलेट ट्रेन नहीं हो पा रहा है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे या हमारे वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।